अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। मैं कंचन और आप देख रहे हैं के न्यूज़ संडे। अब हर बेरोजगार युवा को मिलेगा 3500 रुपये महीना, बस होने चाहिए जरूरी दस्तावेज। जी हाँ दोस्तों, भारत को युवाओं का देश कहा जाता है और वर्तमान समय में देश के युवा बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार इन युवाओं के किए गए वादों को पूरा करने जा रही है। दरअसल सरकार ने रोजगार कार्यालयों में 1,00,000 पंजीकरण ग्रेजुएशन बेरोजगार युवाओं को 1 मार्च से बढ़ा हुआ है बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि इसका लाभ परिवार के सिर्फ 2 सदस्यों को ही मिलेगा, यानी आपके घर में यदि 1 से ज़्यादा लोग ग्रेजुएट हैं तो और वो बेरोजगार हैं तो उनमें से सिर्फ 2 लोगों को ही सरकारी बेरोजगारी में भर्ती किया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान विश्वविद्यालय में किया। उन्होंने कहा कि पुरुष बेरोजगारों को हर महीने 30,000 रुपये तथा महिला व निःशुल्क बेरोजगार को 35,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। आपको बता दें कि वर्तमान समय में राज्य में अक्षत योजना के तहत बेरोजगारी भत्ते के रूप में पुरुषों को 650 रुपये और महिला निःशुल्क बेरोजगार को 750 रुपये का बेरोजगारी भत्ता हर महीने दिया जाएगा। दरअसल चुनाव होने से पहले कांग्रेस ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में बेरोजगार को 35,000 हर महीने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है और चुनाव में पहले यूथ कांग्रेस ने बेरोजगारों को 1,000 फॉर्म भरवाए थे। इन्हें मिलेगा लाभ, एक परिवार से अधिकतम 2 सदस्यों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगी। बेरोजगारी भत्ता अधिकतम 2 सालों तक ही मिलेगी और युवाओं को 75,000, यू को 84,000 रुपये का अधिकतम लाभ मिलेगा। इसका लाभ सिर्फ उन्हें ही मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 2,00,000 रुपये तक होगा। उम्र सीमा, सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने का ही एक उम्र सीमा निर्धारित किया है। सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम 30 वर्ष तक, SSC व ST के लिए 35 वर्ष की आयु तक भर्ती मिलेगी। उम्र की गणना स्नातक डिग्री की जन्मतिथि से ही की जाएगी। प्रमुख दस्तावेज बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए आपको सरकारी या निजी विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री, आधार कार्ड, बैंक खाते का दस्तावेज तथा एक घोषणा पत्र देनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, आपको राजस्थान का मूल निवासी होने के साथ उसी राज्य के किसी विश्वविद्यालय से स्नातक भी होना चाहिए। इसके लिए आपको अक्षत योजना के तहत रोजगार विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भी करना पड़ेगा।